आपको वो गालिब का शेर याद होगा कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी भी फाका मस्ती एक दिन। यानी आप अंदाजा कीजिए कि पूरी दुनिया के सामने आप किस तरह से भीख का कटोरा उठाकर जाते हैं। और मुझे तो लगता है कि इनको अपने साथ वो हिजड़े भी ले जाने चाहिए थे जो सिग्नल पर तालियां और ठुमके लगाकर भीख मांगते हैं कि वे सखिया दे जा तेरा भी भला ते तेरी नाल वाली दा भला। यानी आप अंदाजा लगाइए, यानी आप अंदाजा लगाइए हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ का, अपने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का, कि ये जनीवा गए हैं। बकायदा इन्होंने एंटोनियो गुतरेस के साथ मिलकर एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस अरेंज की है और उसके बदले में ये लोग जो प्लेजेस लेकर आए हैं 9.7 बिलियन US डॉलर्स के, और मैं आपको पूरी गारंटी से कह सकता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लेजेस हैं, क्योंकि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से जो टोटल इमदाद जो है वो वादा की गई है वो 2 करोड़ डॉलर है, अमेरिका की जानिब से 10 करोड़ डॉलर है। तो ये जो 9 अरब 70 करोड़ डॉलर है, मुझे दुनिया का कोई मैथ्स समझ में नहीं आता कि ये किस तरह से इन्होंने कैलकुलेट किया है। यानी आप बजाय इसके कि आप हमसाया मुल्क के साथ ट्रेड करें, बजाय इसके कि आप हमसाया मुल्क के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें, बजाय इसके कि आप अपने मुल्क के लोगों की इज्जत नफ्स जो है उसकी सैंटिटी का ख्याल रखें, मैं अमूमन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऊपर कुछ कहता नहीं होता, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक नजर से एक वीडियो गुजरी जिसमें वो बाकायदा पाकिस्तान के वजीर आजम के ऊपर टॉन्ट कर रहे थे कि किस तरह से वो कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि क्या हम एक एटमी कुव्वत हैं, क्या हम एक रिस्पेक्टेबल नेशन है? और जो मर्सिडीज एस क्लास गाड़ियां हमारा हुक्मरान तबका चलाता है, जो प्रोटोकॉल की गाड़ियां ये लोग लेकर चलते हैं, मैं तो कहता हूं कि आलमी बरादरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन है जो हमें ये एड दे रही है, क्योंकि ये जो एड है उनको भी पता है कि हम दे तो इनको रहे हैं और हमारी दुनिया में वाह वाह हो रही है कि हमारी इंसानियत के साथ बड़ी हमदर्दी है, लेकिन ये वापस हमारी ही यूनिवर्सिटियों में जमा हो जाएगी, क्योंकि इस एड का बनता क्या है, इसका ठिकाना क्या होता है? आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा कि अफगान वॉर के दौरान जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, जिनको अफगान वॉर का हीरो भी कहा जाता है, उनके बेटे जो है वो उस अफगान वॉर के बाद पेप्सी फैक्ट्री के मालिक बन गए और दीगर बिजनेस वेंचर्स के मालिक बन गए। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान एड के ऊपर ये सारे काम चला सकता है? क्या पाकिस्तान, हमारा हमसाया मुल्क जो है इंडिया, वो ये बूस्ट कर रहा है कि जनाब हम स्पेस मिशन कर रहे हैं, हम दुनिया में तीसरे नंबर के ऊपर कार मैन्युफैक्चरर्स में आ गए हैं, और ये हमारे जो वजीरे खजाना है, जो कि सॉरी वजीरे मजहबी अमूर है इसहाक डार, उसका आप ट्विटर अकाउंट देख लें, वो कहीं से लगता है कि वो क्या कहते हैं वजीरे खजाना है? यानी आपने इस मुल्क को एक प्रैक्टिकल बनाना रिपब्लिक में तब्दील कर दिया है, और मुझे नहीं लगता कि इस एड से, ये जो एड है ये किसी भी तरह से एक आम आदमी तक पहुंचेगी। आरजू मगर फिर ये मुल्क को चलाएंगे कैसे? इसलिए कि यहाँ से तो अगर आप ट्रेड की बात करते हैं, फर्ज करें इंडिया के लिए ट्रेड ओपन कर दी, क्या चीज बेचेंगे हम वहां पे? कुछ है, कुछ बनाते हैं, कोई फैक्ट्री रखी हमने, कोई चीज ऐसी नहीं, है जो हमें ये हमसे लेना चाहिए? देखिए जब ट्रेडिंग होती है ना तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें एक दूसरे की दरकार होती हैं। मैंने मेरे किचन में इस वक्त जो प्याज है वो काबुल से आया है, ठीक है, और वो 240 रुपए किलो है, लेकिन मेरे किचन में अगर प्याज अमृतसर से आएगा या चंडीगढ़ से आएगा तो उसकी प्राइस भी कम होगी। लेकिन ये जो ट्रेड है ये हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके मफाद में नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया से ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन का जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है कि वो आपका डिफेंस बजट कम होगा, ताल्लुकात नॉर्मलाइज होंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो राहत इंदौरी का बड़ा मशहूर शेर है कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, पता तो करो चुनाव है क्या। और बिल्कुल ऐसा ही है, आगे चुनाव ही आ रहा है, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं कि जी 1 साल आगे भी बढ़ाया जा सकता है, मगर उससे फर्क क्या पड़ेगा? इमरान खान को अगर हम देखें तो मुसलसल उनके खिलाफ जो है मुकदमे भी बन रहे हैं, और उसके बाद मुकदमे बनने के बाद वारंट भी निकाले जाते हैं, लेकिन फिर गिरफ्तारी नहीं होती। इसी तरह बाकी पार्टीज का भी हाल है। आप क्या कहेंगे कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या ये कुछ करती हुई नजर आ रही है, या एक बार फिर बस मुबारकबादियां चलेंगी कि
कि कुछ फंड मिल गया और कुछ का वादा जी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहते हैं यानी कौम को मुबारकबाद दी जा रही है कि शुक्र करें हमें इमदाद मिल गई, शुक्र करें कि हमें पैसे मिल गए। यानी बजाय इसके कि आप कौम को उसके पैरों के ऊपर खड़ा करें, आप एक ग्रेड 17 के एसी को 1.5 करोड़ का वीगो डाला देकर कहते हैं कि जाकर आलू प्याज टमाटर की कीमतें चेक करो। मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान की जितनी कीमती सरकारी गाड़ियां हैं, आलमी बरादरी को शर्त आयद करनी चाहिए कि जब तक उन तमाम सरकारी गाड़ियों को 800 सीसी महरान से तब्दील करके बकिया पैसे कौमी खजाने में जमा करवा के सैलाब जदगान पर खर्च नहीं किए जाएंगे, तब तक आपको इमदाद की एक पाई नहीं मिलेगी। लेकिन ये सुनने में बहुत रेडिकल है, बहुत इनकलाबी है, लेकिन आरजू काजमी जब हम इसमें से थोड़ा सा डिग इन करते हैं तो मैं वो पंजाबी में कहते हैं कि मज्जा मज्जा दी या पहना होंदिया ने, तो ठीक है ये जो स्टेट्स होती है ना ये दूसरी स्टेट्स की पहना होंदिया ने और इनको एक आम आदमी की सब्जुकेशन से कोई गर्ज नहीं होती है, इनको अपने मफादात अजीज होते हैं। इसीलिए जो स्टेट लेवल के ऊपर जो स्टेट क्राफ्ट है ना ये बेसिकली विच क्राफ्ट है मकावली की, और इस विच क्राफ्ट को एक आम आदमी की हालत ज़ार से कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी किस तरह से दुनिया में कहते हैं कि जनाब आप लोग इस कैटास्ट्रॉफी के रिस्पॉन्सिबल हैं, आप लोगों की वजह से हमारे पास सैलाब आया। भाई इन लोगों ने मना किया था आपको कि आपने सैलाब से बचाव के लिए अपने हिफाजती कुश्ते तामीर ना करें, आप अपना वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर ना करें। आप पूरी दुनिया में सैलाब आते हैं लेकिन इस तरह से पेट उठाकर कोई भीख नहीं मांगता है। और आप अभी आप देख लीजिएगा इनको अभी ये एड आई है और अभी आप देखिएगा कि 2 माह बाद 23 मार्च को इनके जो अलल्ले तलल्ले होंगे परेड के नाम पर, जरा वो देखिएगा। और साथ साथ ये भी कहते हैं कि जी जो बिल्डिंग्स गिरी थी खासतौर पे वो होटल्स वगैरह की जिसकी फुटेजेस आई थी वो इन्होंने गलत तरीके से बनाई थी, परमिशन नहीं थी वहां बनाने की, फिर भी परमिशन दी गई पैसे लेकर। तो ऐसी बहुत सी तामीरात, ऐसी बहुत सी कंस्ट्रक्शंस भी हुई पाकिस्तान में जो कि नहीं होनी चाहिए थी, उसको आप क्या कहेंगे कि अब ये रोकेंगे इस तरह की बात को कि जहां से पानी गुजरता है, ये पक्की बात है पानी गुजरता है वहां बिल्डिंग बना दी इन्होंने? नहीं बिल्कुल नहीं रोकेंगे। देखें आप पाकिस्तान में पैसे देकर कुछ भी करवा सकते हैं, आई रिपीट, आप पाकिस्तान में पैसे देकर कुछ भी करवा सकते हैं। आप मेरे हवाले 20 करोड़ रुपया करें, मैं आपको दरियाए सवात के सेंटर में होटल बनाने का NOC ला कर दूंगा। पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है वो फ्रॉम द कोर ऑफ इट्स बॉटम करप्ट है, और मुझे तो समझ नहीं आती है कि वो जो ब्यूरोक्रेसी है जो अरबों रुपए के घरों में रहती है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है कि हुजूर आपके अकाउंट में महीने की 1,71,000 रुपए तनख्वाह आती है और इतना तो आपका बिजली का बिल नहीं है जितनी आपकी टोटल सैलरी है, और आपका जो लाइफ स्टाइल है वो आपकी सैलरी से लगा ही नहीं खाता है। पाकिस्तान में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है आरजू। लेकिन अब जो ये दोबारा से एक बार फिर इनको कोई एड मिली है, किसी कोई कर्जा मिला है, कोई इस किस्म के पैसे जो इनको मिले वापस कौन करेगा? अरे आपको आरजू मैंने आप ही के शो में कहा था कि वो जो काम वाली होती है ना उसको बाजी कुछ ना कुछ देती रहती है, कभी पिछले दिन का सालन दे देती है, कभी अगले दिन की चाय दे देती है, नाश्ते का पराठा दे देती है, और इसी तरह जो सऊदी अरब है और दीगर मकामी ताकतें हैं, पाकिस्तान उनका कामा है। हमें कहा गया था कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने सियासत में मुदाखलत बंद कर दी है। भाई अगर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने सियासत में मुदाखलत बंद कर दी है तो फिर पाकिस्तान की सिर्फ मुंतखब जमहूरी क्यादत को ही जाकर सऊदी अरब या UAE में मुलाकातें करनी चाहिए ना, लेकिन अगर उसके अलावा कोई कर रहा है तो उसका मतलब यह है कि मुदाखलत बंद नहीं हुई है। आरजू जय हिंद दोस्तों। दोस्तों कंगाल पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और देशों से बुरे वक्त में बड़ा सहारा मिला है। जनेवा सम्मेलन में पाकिस्तान के बाढ़ प्रभावित इलाकों को फिर से बसाने के लिए $10 अरब से ज्यादा देने का वादा किया गया है। सैलाब की वजह से हुए नुकसान की भरपाई और मदद के लिए स्विट्जरलैंड के जनेवा शहर में पाकिस्तान के नेतृत्व में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और देशों ने पाकिस्तान में बाढ़ से प्रभावित 33 मिलियन से ज्यादा लोगों के फिर से बसाने के लिए $10 बिलियन से ज्यादा की मदद देने का वादा किया है।
पाक की केंद्रीय मंत्री मरियम औरंगजेब ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कोशिश रंग लाई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए 8 अरब डॉलर की मदद की अपील करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विकसित देशों से सहायता के वादे किए गए हैं। विश्व बैंक और इस्लामिक विकास बैंक ने पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर से ज्यादा की राशि देने का वादा किया है। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने वादा किया है कि वह अगले 3 साल में 4 अरब 20 करोड़ डॉलर देगा, जबकि विश्व बैंक ने पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर देने की बात कही है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज़।